अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 7.1, जिसके अंदर आपको बी सी और डी पॉइंट्स गिवन है और वो ये कह रहा है कि यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे जब आपको ये कहा गया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ए बी सी डी, तो हमें पॉइंट्स जो हैं वो बी सी और डी रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो बी हमारे पास है 4, 1, सी हमारे पास है -2, 3, जबकि डी आपके पास है -8, 0। ए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई है। तो इस तरह हमारे पास क्या बनता है, विस्पोज कि हमारे पास जो ए है वो हमारे पास एक्स वाई इज रिक्वायर्ड पॉइंट, ये हमें क्या है रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा। तो देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर और ये कि हमारे पास ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, सो कंडीशन नंबर 1 जो है हमारी ए बी इज पैरल टू डी सी, तो इंप्लाइज कि हमारे पास फिर क्या होता है ए बी वेक्टर जो इक्वल है वेक्टर डी सी। तो अप्लाई कर दें वेक्टर ए बी वेक्टर मेथड के जरिए 4 - x i + 1 - y j। अब इस तरह वेक्टर डी सी -2 + 8 i + 3 - 0 j। -2 - 8 ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 0 तो ये आपके पास एज इट 4 - x i, 1 - y j इज इक्वल टू 6 i + 3 j। कंपेयर कर लें कि ये हमारे पास 4 - x 6 के इक्वल है, 1 - y = 3। इसी तरह हमारे पास ये 4 इधर आके -6, x उधर जाके पॉजिटिव है। तो यहां से हमारे पास ये -2 = x, तो x की वैल्यू में मिली -2, तो इधर 1 इधर आके -3 उधर जाके y पॉजिटिव, तो -2y, तो y की वैल्यू में क्या मिल गई -2। सो रिक्वायर्ड पॉइंट डी जो के -2 - 2 रिक्वायर्ड पॉइंट इज दिस। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट जिसके अंदर पैरेललोग्राम हमारी थोड़ी अब चेंज है, ए ई बी डी। ए ई बी डी आपके पास क्या है, आपके पास पॉइंट जो है वो जो गिवन है एक बी, इसका नाम आपके पास बी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है। स्टेटमेंट के मुताबिक बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली, तो आपके पास यहां पर डी क्या हो जाता है -8, 0, जबकि बी आपके पास है 4, 1। तो आपने ए मालूम किया, इस ए को यहां पर सॉरी ये हमारे पास डी है, तो ए पॉइंट हमारा जो हमने मालूम किया है, सॉरी ये हमारे पास पॉइंट क्या है ए, तो ए पॉइंट हमारे पास चाहिए था वो हमारे पास बना ये। तो ये पॉइंट आपके पास -2 - 2। अब हम मालूम करेंगे ई पॉइंट, सपोज ई हमारे पास क्या है एक्स वाई इज रिक्वायर्ड पॉइंट, देन ए ई इज पैरेलल टू डी बी, सो ए ई वेक्टर जो है वो डी बी वेक्टर के इक्वल है। अप्लाई कर दें ए ई, तो हमारे पास बनता है एक्स
माइनस माइनस प्लस टू वाई प्लस टू जे इज इक्वल टू डी बी फोर माइनस माइनस प्लस एट प्लस वन माइनस जीरो। तो इसी तरह वन माइनस जीरो जे, तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स प्लस टू आई वाई प्लस टू जे ट्वेल्व आई प्लस जे। कंपेयर करेंगे एक्स प्लस टू इक्वल ट्वेल्व वाई प्लस टू इज इक्वल टू ये वन, तो इस तरह हमारे पास बन जाता है ट्वेल्व माइनस टू तो एक्स की वैल्यू मिल गई टेन, जबकि वाई इज इक्वल टू वन माइनस टू तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन। सो जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज ई जो के टेन माइनस वन। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नाइन है, इफ O is the origin and OP vector is equal to vector AB, find the point P. P हमने मालूम करना है when AB are given respectively. तो आपके पास अब सपोज कर लेते हैं कि सपोज पॉइंट P हमने क्या करना है, मालूम करना है, जबकि हमारे पास ओरिजिन क्या है वो जीरो जीरो पे है, इसको हम ओरिजिन कह देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो हमारे पास एक पॉइंट ए है जो कि हमारे पास ए क्या है जी माइनस थ्री सेवन एंड बी आपके पास वन जीरो। तो अब जो आपके पास गिवन है, गिवन आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। वेक्टर मेथड अप्लाई करते हुए आप क्या करेंगे, P में से ओरिजिन निकाल देंगे। P आपके पास क्या है एक्स वाई, तो ओरिजिन आपके पास ये पड़ा है, तो आपके पास OP यानी कि एक्स माइनस जीरो आई, इसी तरह वाई माइनस जीरो जे इज इक्वल टू ए बी वन, ए बी वन माइनस माइनस थ्री तो प्लस थ्री हो जाता है आई प्लस, तो इसी तरह जीरो माइनस सेवन जे। सिंप्लीफाई करें तो एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू फोर आई माइनस सेवन जे। तो हम कंपेयर करते हैं यहां से कि हमारे पास एक्स क्या बनता है, फोर बनता है, एंड हमारे पास वाई माइनस सेवन। तो हमारे पास जो पॉइंट रिक्वायर्ड था जो कि क्या था जी पी, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज जो कि पी है और वो आपके पास आ रहा है फोर माइनस सेवन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, तो यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमने क्या शो करना है, अब हमारे पास चार पॉइंट्स जो है वो गिवन है ए बी सी एंड डी, तो हमने शो करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पैरेललोग्राम क्या बनती है, जी ए बी सी डी डायरेक्शन शो करते हैं वेक्टर्स की। तो हम ये इधर लिखते हैं जी हमारे पास सॉल्यूशन है, तो हम लेट करते हैं जो हमारे गिवन है, गिवन पॉइंट्स नाम दे देते हैं। तो उसने खुद दिया हुआ ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब ए हमारे पास क्या हुआ जीरो जीरो, बी आपके पास है ए जीरो, सी आपके पास है बी सी, जबकि आपके पास जी पॉइंट डी है जो कि बी माइनस ए सी। आप यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए आपका जीरो जीरो है, बी आपके पास ए जीरो, सी आपके पास बी सी, जबकि डी आपके पास बी माइनस ए सी। तो अब हम इसको वेक्टर मेथड के जरिए पैरेललोग्राम शो करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं ए बी डी सी,
पैरोग्राम शो करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो ए बी इज इक्वल डी सी मीन्स पैरल, और ए डी को बी सी के पैरल शो करवाएंगे, तो अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी, पैरेललोग्राम। तो हम मालूम करते हैं सबसे पहले ए बी, वेक्टर ए बी, ए बी क्या बनता है आपके पास, ए माइनस जीरो आई प्लस जीरो माइनस जीरो जे। तो इस तरह आपके पास ए बी क्या बना, ए आई प्लस जीरो जे। तो मतलब क्या बना, ए बी वेक्टर जो बना हमारे पास ए आई बना। तो इसी तरह अब हमारे पास क्या बनता है, दूसरी कंडीशन है जो कि हमारे पास ए बी, अब डी सी लेते हैं डी सी, तो डी सी हमारे पास क्या है, बी माइनस ए, तो ये आई बन जाएगा प्लस सी माइनस सी जे, सी में से सी निकाल दें। तो इस तरह हमारे पास ये वेक्टर डी सी बनता है बी माइनस बी प्लस ए आई प्लस जीरो जे। तो डी सी हमारे पास क्या बना, बी से बी कैंसल, तो ए आई प्लस जीरो जे, तो ए आई ही बनता है। तो यहां से आप देखें कि आपके पास ए बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू डी सी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्लियर है, क्लियरली ए बी वेक्टर जो है वो इक्वल आ रहा है वेक्टर डी सी के, सो ए बी जो है वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर डी सी। तो इस तरह हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे, नो अब हम मालूम करेंगे ए डी एंड बी सी। तो ए डी आपके पास क्या है, वेक्टर ए डी, ए डी तो बी माइनस ए माइनस जीरो आई प्लस, तो ए डी सी माइनस जीरो जे। तो आपके पास वेक्टर जो मिला वो मिला बी माइनस ए आई प्लस सी जे। इसी तरह अब हम सेकंड पे आते हैं, हमारा सेकंड क्या है, ए डी को ले रहे हैं बी सी के इक्वल, वेक्टर बी सी, बी सी क्या बनेगा, बी माइनस ए आई, बी माइनस ए सी माइनस जीरो जे। तो इस तरह वेक्टर जो बी सी मिला आपको वो मिल गया बी माइनस ए आई प्लस सी जे। तो आप देख लें ए डी आपका इक्वल आ रहा है बी सी के, तो आप लिख सकते हैं सो इंप्लाइज ए डी वेक्टर जो है वो इक्वल आ रहा है वेक्टर बी सी के, सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, वेक्टर बी सी के। तो इस तरह हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो यहां दोनों कंडीशन को मिला के लिखते हैं कि गिवन है हमारे पास जो हमने मालूम किया कि ए बी जो है, सो इंप्लाइज ए वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर डी सी एंड वेक्टर ए डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी सी। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो सो ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। और इस तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है।